गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। केदार घाटी से देखो भाई साहब, हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गए तो इसके पीछे जस्ट केदार घाटी आ गई है। तो अभी रात का वीडियो मैंने नाइट में एंड किया था और बोला था कि सुबह अगर पट खुलते हैं तो दर्शन ज़रूर कराऊँगा, बट अभी रात में ट्रेक करके अभी लगभग 6:30 के आसपास टाइम हुआ है, 6:30-7, और बता रहे हैं कि 8 बजे पट खुलेंगे। तो देखते हैं ऊपर का माहौल क्या है। यहाँ से लगभग और 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, चलते हैं मंदिर की तरफ और वहाँ देखते हैं। अभी ग्लेशियर पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लैक आइस दिख रहा है, यहाँ पे देखो खतरनाक वाला। ये देखो भाई, मतलब इधर के जितने दिखे ना बीच में 3-4, वो काफ़ी सही है। इसमें भाई ब्लैक आइस जमा हुआ है पूरा, जुबान भी लड़खड़ा रही है, इतनी ठंड है यहाँ। और रात को ट्रेक कर रहा था, मेरे को लगा 3-4 बजे आ जाऊँगा मैं, मैंने लास्ट वीडियो एंड किया था उसके बाद, बट बीच में रुका तो नींद लग गई मेरे को, झपके आने लग गए 3-4 जगह, इसी कारण लेट हो गया। अभी बैक टू बैक हेलीकॉप्टर चल रहे हैं यहाँ पे। आज ओपनिंग डे में कौन आता है देखते हैं, वो तो बाद में पता पड़ेगा, पर अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर का माहौल देखते हैं। तो भाई फाइनली वेलकम टू केदारनाथ धाम। पूरा 26 किलोमीटर का ट्रैक करके अभी आया हूँ मैं, कल गौरीकुंड से चला था 3:30 बजे, अभी आया हूँ सुबह लगभग 8:15 बजे के आसपास। बीच में जैसे मैंने बताया था नींद लग रही थी, कुछ ऐसा नज़ारा देखो। भाई इस बार मंदिर के सामने रास्ता बन रहा है, जो पीढ़ियाँ थी ना मंदिर की मेन सीढ़ियाँ, उसके कारण देखो डाइवर्ट करा रूट। अभी देखो वो लाइन लगी है, वो देखो वहाँ से लाइन लगी इधर, ये सारी लाइन ही है भाई ये। अब इनका नंबर पता नहीं कब आएगा, इनका नंबर कब आएगा और मेरा नंबर कब आएगा फिर। बाप रे भाई, खतरनाक वाली भीड़ है, मेरे को लगता है 3-1 किलोमीटर की लाइन होगी, 3:30। अभी तो तंबू लगाते हैं, अपन आराम करेंगे फिर देखेंगे जो भी होगा। देखो भाई 10 मई फर्स्ट डे फर्स्ट शो बाबा के धाम से, देखो खतरनाक वाली लाइन, मेरे को लगता पूरे केदारनाथ में लाइन लगी हुई है। आप हमारा ले लो, आप हमारा ले लो, हम आपका ले लो। तो भाई हाल फिलहाल 2 भंडारे चल रहे हैं, जिस भंडार की लाइन में हम लोग खड़े थे वो है उसका मेन सेंटर, वहाँ से लाइन जा रही है ये वाला भंडार है, और जो दूसरा भंडार है वो अपना परमानेंट अलवर वाला राजस्थान का, वो देखो जो हमेशा दिखाता है। हाँ, ये अमरनाथ में भी चलता है यही वाला, और ये केदारनाथ, ये भंडारा है ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट यात्रा तक रहता है, और ये भंडारा है ना जो दूसरे वाले जो चलते हैं ये 1 महीना या कोई 20 दिन या हाँ बस इस टाइप से रहते हैं। और इस बार एक नीचे भंडारा देखा था हमने जो चंडीगढ़ वालों, हाँ इस बार लगाया उनने वो लिंचोली में, तो ये ऐसे कुछ भंडारे हैं यहाँ पे। अभी हम भी हमारा भोजन का वेट कर रहे हैं, हाँ और अभी आने की जरूरत मत करना यहाँ, समझ जाओ कम से कम 10 दिन, सितंबर अक्टूबर में आना, गर्भगृह में जाना है तो। हाँ नहीं गर्भगृह में भी नहीं जाना है, अगर ऐसे भी दर्शन करना है ना तो अभी आओ मत 15 दिन, क्योंकि 4 किलोमीटर की लाइन लगी है, बंद होंगे जब तब आना अक्टूबर में। दिवाली क्यों दूसरे दिन होते हैं, अन्नकूट वाले दिन हमने बना लिया प्लान, हम लेके भी आए। ओके प्रजापति उनके भी जन्म वाले यहाँ पे खड़े हैं,
तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं केदारनाथ धाम में अपने बाबा के धाम। देखो इतना बढ़िया सजा हुआ द्वार। आज मतलब पहला दिन है 10 मई, आपको पता ही है जैसे कि सुबह 7 बजे कपाट खुलने वाले थे और थोड़ा लेट हो गया था मैं, इसलिए आ नहीं पाया था। और अभी खतरनाक वाला माहौल हुआ, मतलब जैसे मैंने आपको भीड़ बताई थी जैसे मैंने आपको भीड़ बताई थी कि 3-3.5 किलोमीटर की लाइन लग रही है खतरनाक तरीके से, पर कुछ अभी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है इस टाइप से। अभी 5-6 दिन चलती रहेगी ये सब, क्योंकि यहाँ का मामला है ना, अभी स्टार्टिंग में 10-15 दिन ऐसा ही रहेगा। खतरनाक वाला माहौल है भाई। अच्छा खासा माहौल है, अच्छे खासे मतलब जो पब्लिक है, जो सेलिब्रिटीज वगैरह बोल सकते हैं, वो भी काफ़ी लोग आए हैं यहाँ। क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो यहाँ 2 हेलीपैड है, एक तो पब्लिक के लिए और एक वो है जो अपना उसके लिए चलता है। यहाँ पे आते हैं जो मतलब पर्सनल अपने कोई सेलिब्रिटी वगैरह, तो यहाँ पे शायद एक फोर्स वाला जो है ना, उन्हीं का अलग हेलीपैड बना हुआ है। तो ऐसी भीड़ है भाई खतरनाक वाली। अभी मैं तो कल दर्शन करूँगा, आज तो नहीं करूँगा। देखो ये लास्ट ईयर में आपको बताया था ना काम चल रहा था, ये वही वाला एरिया है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है आई थिंक अगले साल जब आएंगे ना, तो ये पूरी जब यहाँ की स्टेप्स वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगी। बहुत कुछ काम चल रहा है इसके अलावा भी यहाँ पे, तो अगले साल जब आएंगे तब पता पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर निकाल के रखे। तो भाई केदारनाथ में तंबू के अंदर बैठा हूँ और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो सामने की तरफ भैरव बाबा बैठे हुए हैं, पर खतरनाक वाली ओला गिर रहे हैं भैया। देखो बारिश हो रही है भयंकर वाली, दिखाए ये देखो भाई, वो हो रहे अपने भैरव बाबा, वो देखो बर्फबारी हो रही है खतरनाक वाला मौसम है भाई साहब। ये देखो मौसम एकदम मौसम, ये बंदा आदमी नहीं दिख रही तुमको। तो भाई आज के ब्लॉग में इतनी रखते हैं, क्योंकि पूरा बाहर का अगर व्यू देखें तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी कटा हुआ है यहाँ पे केदार घाटी में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ शूट करेंगे मतलब ही नहीं है। तो अभी तंबू के अंदर से बना रहा हूँ मैं, आज के ब्लॉग में इतने ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा के, कल करेंगे बाबा के दर्शन।